वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशांत। दोस्तों शाम का समय हो चला है और किचन में हम लोग क्यों किचन में है और इतनी शाम में क्यों है, क्योंकि इन शख्स को ठंडा लग रहा था, इनका तबीयत सही नहीं लग रहा है, माँ का भी तबीयत सही नहीं है, हमारा तो भगवान भरोसे चल रहा है। इन लोग को देख के हमको लग रहा है कि मुझे भी कुछ हो रहा है, मतलब इनके तबीयत खराब। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि आधा अब ये नींद में है। और भाई आज दोपहर में खाना ही नहीं खाते, मैं सोचा यार शाम हो गया, 5 बज रहा है, कुछ खिला दो। अभी सोई हुई थी, दाल गरम कर रही है। और बाकी गाइस ये ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि इसमें जो इतने भी हमारे यूट्यूबर्स जो फ्रेंड्स थे उन सभी ने तितली को विश किया था, तो सब कुछ अभी हम उसके बारे में ही बातचीत करेंगे। तो अभी पहले कुछ खा लें, जोरों की भूख लगी है, चाय भी पियेंगे, उसके बाद थोड़ा एनर्जी आएगा हमारे अंदर। तो चलिए आप लोग बने रहें और उसके बाद इनका भी मन बड़ा टूट जाएगा चाय पीने के बाद, एनर्जी नहीं दिख रहा है। बाकी आइए आपको एक खास चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। गाइस माँ को देखिए, माँ क्या कर रही है। माँ पहले पता है गाइस दूध का टैंकर होता है ना, टैंकर लोग छोटे छोटे थे उस पर मार सारी रखती थी। आप कहेंगे माँ यार सारी करवे कंप्यूटर के कहती थी, कहा तोर बिया हो तोरा मेहरारू के दे। आज के डेट में उसे मेहरारू मिला तरी से वो सब सारी पहने ला बताऊँ तो भी तोड़ती है खाली। लेकिन यही होता है कि इसका सब वो सब चीज़ काम दे देता है, कभी ना कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है तो, है ना मॉम, सही बात बोल रहे हो ना। तो गाइस मस्त हम लोग चाय वगैरह सब कुछ पी लिए हैं और तितली भी हमारी तब तक उठ गई, और उठते उठते तितली को रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। सभी को बोल दो ताई 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 नमस्ते, पहले सभी को कर दीजिए नमो नमो कर दीजिए। अच्छा जा मामा जा भाई, अभी सो के उठिए गाइस। तो अब आप ठीक है, मन व्रत टूटेगा आपका, कृपया अपने कुछ मधुर आवाज से कुछ कह दीजिए एक बार। जय श्री कृष्णा। चलिए जी, तो गाइस बात यह था कि तितली का बर्थडे था, तो ऐसे तो हम लोगों ने जितने भी हमारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स थे सभी को हमने इनवाइट किया था, चाहे वो अमित किट्टो हो, वंदना दीदी हो, राहुल ममती हो, सचिन भाई, मनीषा, फिर से रूप रानी दीदी, और कोई छूट गया क्या? और तो कोई मुझे लगा छूटा। हमारा जो एक अपना जो एक फैमिलियर वाला जो है ना टीम, तो अपनी पूरी टीम को मैंने कहा था। बट एक्चुअली क्या था गाइस कि उसके अगले दिन करवा चौथ था जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी, तो सभी का आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि फिर उनको जाके वो एक दिन में पॉसिबल नहीं था कि अमित भाई फिर दिल्ली पहुंच पाते और वो करवा चौथ फेस्टिवल मतलब हो पाता, और वो घर का ही है फेस्टिवल, किसी और के घर पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जाके वहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरह की इतनी समस्याएँ जिसके कारण वो लोग नहीं आए, बट फिर भी उन्होंने तितली के लिए सभी ने बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेज कॉल स्टेटस के थ्रू तितली को हमारे ब्लेसिंग दिया, प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल कहें हम राहुल भाई का, तो आप राहुल भाई का ये देख लीजिए क्लिप कितना अच्छा इन्होंने वीडियो बना के भेजा। हैप्पी बर्थडे तितली, बोला नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बोलो इस बार चाचू की शादी में आ गए थे पंकज भाई, सॉरी थोड़ा ट्रैवल कर लिया, बहुत 12 घंटे ट्रैवल किया, देन आर्यन का पूरा वाइफ का लहंगा वहंगा एंड ऑल सब कुछ था, इसलिए हम लोग आ नहीं पाए। और बिटिया रानी ऑब्वियसली कुछ और होता तो नहीं आते, बट बिटिया रानी के बर्थडे में तो ऑब्वियसली आते, तो हमारे तरफ से गिफ्ट बचा है। कभी भी अगर कोलकाता में अगर मुलाकात होगी या मैं ट्राई करूँगा भिजवा दूंगा, और दिल से हैप्पी बर्थडे और बिटिया रानी को ढेर सारा प्यार देना हमारे तरफ से। बहुत अच्छा लगा, हाँ हम चाहते थे कि आप आए, लेकिन उसमें क्या था कि आर्यन की सडनली मैं भी उसको देख के शॉक्ड हूँ कि उसकी शादी थी और फिर आपको जाना था, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, बट कोई बात नहीं भाई, हम लोग जल्दी आ रहे हैं कोलकाता, मिलेंगे सभी, खूब धमाल करेंगे, और अगर हो पॉसिबल है अगर आप इधर आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, एकदम दिल किडनी लीवर फेफड़ा घर सबके दरवाजे खुले हुए हैं, आप लोग आइए सभी। और अमित भाई ने भी फ़ोन किया था मुझे, लेकिन मैं उस समय रिसीव नहीं कर पाया अमित भाई, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फोन आ रहा था मेरे नंबर पे, तो मेरा जो अभी फ़ोन का स्थिति है ये उसी दिन गिर चुका था बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ वगैरह कुछ भी आ नहीं रहा था, और मैं उसको अब क्या ही करता, उस दिन बर्थडे के दिन ही थोड़ा इधर उधर फ़ोन हो गया था मेरा,
और बिजी भी था सच बताऊ तो, क्योंकि पता है बर्थडे के पहले ना मेरी जो दादी है ग्रैंड मॉम है उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो एक पल के लिए ना हमें लग रहा था ना यार हम बर्थडे सेलिब्रेट करें या ना करें, हमें थोड़ा सा ना टेंशन हो गया था कि अब ये सब चीजें हम लोग ब्लॉग में, मैंने बोला ना गाइस कि हम लोग पॉजिटिव चीजें ही दिखाते हैं। क्या हो गया बिट्टू? लीजिए लीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग ब्लॉग को पॉजिटिव ही रखते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें जो होती है वो शेयर नहीं करते, क्योंकि सभी हमारी बुआ वगैरह सबको देखता है ब्लॉग, तो सभी थोड़ा बहुत चिंतित हो जाएंगे दादी को लेके। बट दादी का थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा था, वो भी पैरालाइज्ड है, तो ऐसा लग रहा था कि यार एक टेंशन ही हो रहा था हम लोगों की, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट सब कुछ बाय ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सही रहा, दादी फिट हो गई। फिर दो दिनों के अंदर मैंने किसी तरह सारा कुछ, सारा टेंट वगैरह साटा वगैरह सब कुछ, मतलब जल्दी जल्दी क्विकली सब कन्फर्म किया, क्योंकि सबको होल्ड पे कर दिया था, और ऊपर से दंगा हो जाने के कारण नेट भी बंद नहीं किया, तो बहुत लोगों को तो हम ऐसे इन्वाइट नहीं कर पाए। बट सबसे ज़्यादा अगर मैं शुक्रिया अदा करूँ तो सचिन भाई, और मुझे बाद में पता चला एक दो लोगों से कि वो पर्सनली तितली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही अंबाला से यहाँ आए थे। बट वो ऐसा ब्लॉग में बोल देते थे कि इसको इनवाइट करने नहीं आता है जीजू को, फिर मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। मैं कसम से बता रहा हूँ मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, और मैं गुस्से में एक ब्लॉग भी बनाया था कि यार मैं तो इनसे पूछ के डेट रखा फिर ऐसा करे थे। हाँ, मैं अपनी गलती कह रहा हूँ कि मुझे एक बार टच करना चाहिए था, तो ये महारानी ने मुझे कह दिया कि वो जा रहे हैं बैंकॉक, तो मैंने सोचा यार बैंकॉक जा रहा है छोड़ो अब क्या जा रहा है, तो चलो जाने देते हैं बैंकॉक जा रहे हैं। तो बट मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है, और बहुत अभी तो वो BMW क्या में और भी खतरनाक तरीके से अगर पूरा परफेक्ट प्लान किया जाता, बट अब तो कह रहा था ना कि पार्टी पार्टी होने में आधा घंटा बाकी था तभी वो पहुंचे थे, वरना मैं और कहते हैं ना कि कुछ ऐसा ग्रैंड लेवल का उनका एंट्री करवाता कि हाँ, और हमारे फैमिली में सभी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, सब कोई उनको जानता है कहीं ना कहीं, कि हमको लगता ही नहीं कि हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। फूफा जी सभी के साथ खूब इंजॉय किए पार्टी में, आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा, और सभी कह भी रहे थे कि दोनों बहुत अच्छे, ऑनेस्टली दोनों बहुत अच्छे हैं। और रूप रानी दीदी उन्होंने भी स्टेटस लगाया था, तो बहुत सारे मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों का तो मैसेज और कॉल और इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक, मेरा ऐसा कोई सोशल साइट्स नहीं था जहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कम से कम अगर नहीं भी आएंगे तो 10,000+ कमेंट्स थे, मैसेज थे व्हाट्सएप पे, कि मैं अभी तक सच बताऊँ तो नहीं रिप्लाई कर पाया हूँ सभी का, तो सभी को दिल से धन्यवाद। अरे मतलब मेरे लिए लगता है कि मेरे लाइफ में सबसे बड़ा ये है, बिटिया रानी को से बढ़कर कुछ है नहीं, और इसके लिए लोगों ने अपना एक कीमती वक्त निकाल के सेंटेंस भी लिखा है ना, वो मेरे लिए बहुत है, तो आप सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं, मतलब क्या बाबू है ना, मतलब दिल से धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तितली को, इतना प्यार दिया। और बहुत लोग कह रहे थे कि देखते देखते तितली एक साल की हो गई, हमें भी बिलीव नहीं हो रहा कि एक साल की हो गई, लेकिन हम तो चाहते नहीं कि बड़ी हुई छोटी ही रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं। और अमित भाई फिर बहुत सभी ने, मतलब क्या बोलूँ, सभी ने विशेष किया, जिया शाश्वत ने भी मुझे मैसेज किया था, तो शाश्वत और जिया भाई को भी दिल से धन्यवाद कि आपने बिटिया रानी के लिए प्यारा सा मैसेज मुझे भेजा था। तो यही था, हाँ बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से हो गया, बट बहुत और परफेक्ट तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं मैंने बताया ना गाइस क्योंकि थोड़ा सा मतलब अब दो दिन के अंदर सब कुछ अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, और वो भी क्या है कि मतलब टाउन है बट उतना भी बहुत बड़ा टाउन नहीं कि हर चीज़ इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो, तो जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। हाँ, अगर कोलकाता या पटना होता नियर बाई में तो थोड़ा बहुत समझ में आ सकता था कि हाँ मतलब अच्छे तरीके से हो जाता, बट जो भी हुआ सब अच्छे से हुआ, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले तितली को। अभी तो मैं कल डालूंगा अभी मैं कि बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर बाबू को मिला हुआ है, दादा नाना नानी अंकल हमारे पूरे घर के लोग सचिन भाई ने सभी ने दिया हुआ है गिफ्ट, तो वो सब अब कल हम आपको डालेंगे ब्लॉग में। बाकी सच बताऊँ तो मेरे पास वर्ड्स नहीं सचिन भाई के लिए, मनीषा के लिए, और एक पल के लिए मतलब ना मुझे लग भी रहा था कि वो आएंगे, सच बताऊँ तो दिल ये कह रहा था कि वो आएंगे, लेकिन जब एक प्रकाश जो साथ में आता ना, तो जब वो मुझे सामने बोला ना कि नहीं वो बस्ती जा रहे हैं, और मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि तो मुझे लगा ना कि यार सच में तब नहीं आएंगे। बट निशा का मेकअप हो रहा था और मैं ऐसी मतलब काम में बिजी, सडनली जब वो आया ना तो मैं मतलब मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो कम से कम चाहे वो कोलकाता हो चाहे कहीं भी वो चले आते हैं,
सच बताओ तो मैं कोई अच्छे से इनवाइट नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई गेस्ट है, फैमिली मेंबर है। एक बार फैमिली मेंबर को कह दो, बट मेरी बात रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हम लोगों को इतना प्यार करते हैं भी बहुत अच्छा लगता है। सभी को, मेरे जितने भी यूट्यूबर्स फ्रेंड है, सभी को दिल से धन्यवाद। और बहुत लोगों से मैं बात नहीं कर पाया हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैं फ्री हो गया हूँ। सच बताऊँ तो काम बहुत ज़्यादा था मेरे पास, नया प्रोजेक्ट है, एक नया दुकान भी खुल रहा है, उसका भी मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा ब्लॉग्स कि नया दुकान खुल रहा है धनतेरस पे, उसका भी ओपनिंग है, तो वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से बहुत सारा काम है, ठीक है। बस आप लोग का साथ और प्यार चाहिए, किसी तरह वक्त निकाल के हम लोग वीडियो शूट कर पाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो और आप सभी जितने भी ऑडियंस हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? निशा ही मैं चाहूँगा कि बोले, मैं तो बोल रहा हूँ, ये बोल ही नहीं रही, तुम ही कुछ बोलो। सभी को क्या कह रहे थे भाई, आपकी बिटी रानी का बर्थडे था, इतने सारे कमेंट्स, मैं सब ने इतना अच्छे ब्लेसिंग्स दिया उसके लिए, थैंक यू सो मच। तितली को ब्लेस कीजिए कि तितली बहुत अच्छी लड़की बने। हेलो बेटा, कल चलेंगे सुबह सुबह हम लोग डॉक्टर के पास। कर दो नमो नमो, कर दो सभी को नमो नमो, कर दो बेटा, कर दो। तो भगवान जी को ही करती है, नहीं करती, सबको करती है, लेकिन अभी ये सो के उठी, थोड़ा सा चिड़चिड़ाई हुई है। एनीवे, आशा करती है प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और बस ये एक थैंक यू मैसेज था आप सभी के लिए। मतलब क्या ही बोलूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी जो देखते हैं वीडियोस हमारा, जिन्होंने मतलब अपना कीमती वक्त निकाल के उंगली टाइप करके बोल के वॉइस नोट में मैसेज भेजा तितली के लिए, उन सभी को मतलब दिल से शुक्रिया मेरे, निशा और तितली की तरफ से। आप ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिए, और हमारे जितने भी यूट्यूबर्स, हमारे जितने भी मतलब एक फैमिली मेम्बर है, उनके साथ भी हमारा प्यार और रिश्ता ऐसे ही मतलब आगे बढ़ता रहे। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्हें हमें इनवाइट करना था, बट क्या है कि अब जब हम सोचे कि जब उस तरह से ग्रैंड लेवल पे नहीं कर रहे हैं, केवल फैमिली पार्टी ही था, सच बताऊं तो फैमिली पार्टी ने उन लोगों को इनवाइट करने का बहुत ही कैंसिल कर दिया। फिर सोचे कि फिर हम लोग जहाँ पे रहते हैं थोड़ा प्रॉपर नहीं है, जिन लोगों को उन लोगों को चाहिए जैसे। सचिन में क्या है कि उनको कहीं भी सुला देंगे वो तो सो जाएंगे, लेकिन अब वो घर के जैसे हमें समझ में नहीं आता है, बहुत उन लोगों से जरा घुले मिले नहीं है ना, जैसे कि उतना ज्यादा, जैसे कि अभी पार्टी में मिले थे, फर्स्ट टाइम ही मिले हुए हैं, लेकिन अच्छा बॉन्डिंग बन गया, तो उन लोगों के थोड़ा सा स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता, बट ऐसा हो नहीं पा अभी है गांव में। ये चीज है कि हमारा फिफ्थ एनिवर्सरी आ रहा है 21 अप्रैल को है, तो वो बहुत ग्रैंड तरीके से होगा, माता रानी करे सब कुछ सही हो उस समय, तो बहुत बहुत ग्रैंड तरीके से करेंगे, आपको भी देख के मजा आएगा। और कोशिश करेंगे कि एक छत के नीचे सारे क्रिएटर्स को लेकर आए, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं सब आए, मजा आए सभी को, सभी को देखने के लिए मिले हमारे साथ। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर देते, क्योंकि थोड़ा सा तितली के साथ हम लोग खेलेंगे, मस्ती करेंगे। तब तक आप लोग को नमस्कार, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए ऐसी।